दिल्ली में सोमवार रात से एक हफ्ते के लौकडाउन के ऐलान के बाद आनंद विहार, कौशाम्बी, बस अड्डे से यूपी और बिहार के दूर दराज शहरों के प्रवासी लोग पलायन करने लगे हैं। यहां एक बार फिर साल 2020 जैसी भीड़ उमड़ पड़ी है। पिछले साल मार्च में पीएम मोदी के लॉकडाउन के ऐलान के बाद से एक बार फिर आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई है। सोमवार और मंगलवार को दिन भर आनंद विहार स्टेशन पर ऐसा ही दृश्य देखा गया। दिल्ली के सभी बस अड्डे और रेलवे स्टेशन मजदूर लगातार अपने घरों की ओर जा रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि किसी बस के जरिए उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने को मिल जाए। इसके चलते आनंद विहार और कौशाम्बी में भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाले लोगों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। दिल्ली सरकार ने फिलहाल एक सप्ताह का लॉकडाउन किया है, लेकिन मजदूरों को भरोसा नहीं है कि एक सप्ताह के बाद दिल्ली में सब कुछ सामान्य हो जाएगा। सबको लॉकडाउन के लंबा चलने का डर सता रहा है, इसी वजह से मजदूरों का पलायन होने लगा है।